तुला राशि वालों के लिए शिक्षा, यात्रा, सेहत, प्रेम और परिवार के मामले में कैसा रहेगा जुलाई का महीना। वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल मत कर करना, लेकिन मेरे भोले भोले बाबा के लिए एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मेरे भोले बाबा इस महीने आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। हम आपको बताते हैं तुला राशि के व्यापार धन के बारे में। 1 जुलाई से मंगल का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे बिजनेस एक्सपेंडिचर को जानने के लिए अपनी फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पर ध्यान दें। सप्तम भाव में चांडाल दोष बन रहा है, जिससे आपके बिजनेस विरोधी ईमान से नीचे गिरकर गिरी हुई हरकतें कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से बिजनेस में नया फंडा अपनाकर आप आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिश में रहेंगे, पर अपनी मार्केट रेपुटेशन का ख्याल जरूर रखिएगा। 25 जुलाई से बुध का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे जुलाई में अच्छे बिजनेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में एकजुटता का होना फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए कहीं कोई कमी तो नहीं है। अब हम आपको बताते हैं तुला राशि के नौकरी और पेशा के बारे में। 1 से 17 जुलाई तक दशम भाव से पाप कत्तरी दोष रहेगा, जिससे इस माह में बेरोजगारों को नई नौकरी मिलने की इंतजार की घड़ियां खत्म होती नहीं दिख रही हैं। 17 से 24 जुलाई तक दशम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा, जिससे अगर आपका लक्ष्य प्रमोशन पाना ही है तो उसके लिए आप ऑफिस या वर्कप्लेस पर परफॉर्मेंस शानदार दीजिए। शनि का दशम भाव से षडाष्टक दोष रहेगा, जिससे जुलाई में आपका ईमानदारी भरा नेचर एंड वर्क ऑफिस में या वर्कप्लेस पर येन केन प्रकारेन दूसरों की बुराई करके अपने उल्लू सीधे करने वालों के दिल को जला सकता है। आप तो सावधानी से अपने काम में लगे रहें। गुरु का दशम भाव से 4 से 10 का संबंध रहेगा, जिससे आपकी कूल एंड काम पर्सनैलिटी आपको वर्कस्पेस पर सबका चहेता बना देगी। अब हम आपको बताते हैं तुला राशि के परिवार, प्यार और रिश्ता के बारे में। सप्तम भाव में चांडाल दोष बन रहा है, जिससे आपके परिवार में एंजॉय और रिफ्रेशमेंट का माहौल एकदम से किसी कारण से डिस्टर्ब हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपका लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। जुलाई में हो सकता है आप ऐसी कोई चेकिंग करेंगे, ध्यान रखिए ये बातें रिश्तों में हर तरह से जहर फैलाने वाली होती है। 7 जुलाई से शुक्र का सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे सेवा भावना के चलते आपके माता पिता के साथ आपकी और आपके हमसफर का रिश्ता मजबूत रहेगा। अब हम आपको बताते हैं तुला राशि के छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। 1 जुलाई से मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है, लगे रहिए। गुरु का पंचम भाव से 3 से 11 का संबंध रहेगा, जिससे हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स अपने मुख्य कर्म को अच्छे से करते नजर आएंगे। पंचम भाव में शनि स्वगृही होकर विराजित है, जिससे जुलाई में किसी और पर डिपेंड ना होकर सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे तो अभी सेटिस्फेक्शन और आगे सक्सेस दोनों ही पा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं तुला राशि के स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। षष्ठ भाव से पाप कत्तरी दोष रहेगा, जिससे जुलाई के महीने में यदि आप बीमार हो गए तो लंबी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, अवेयर रहिएगा। 8 से 24 जुलाई तक बुध का अष्टम भाव से 3 से 11 का संबंध रहेगा, जिससे व्यापारिक यात्रा आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। अब हम आपको बताते हैं तुला राशि वालों के लिए उपाय। अपने गुरु को याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण को चंदन अर्पित करते हुए पीली मिठाई का भोग लगाएं। साधु संतों का अपमान नहीं करें और सफेद चीजों का दान करें। किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए भोले भंडारी की कृपा प्राप्त करने के लिए दही और गन्ने के रस से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद गरीबों में थोड़ी मिश्री का दान अवश्य करना चाहिए।